हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो फ्रेंड्स, आज की केक डेकोरेशन ना बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, और स्पेशली ये बिगनर के लिए हैं या फिर जो कोई न्यू ट्रेंडिंग टाइप की केक डेकोरेशन चाहते हैं, जो थोड़ा चाहते हैं कि हाँ मेरा केक जो है वो यूनिक दिखे, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिखे, तो ये वाली पैटर्न वो ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली केक डेकोरेट हो जाएगा। ये सारे केक्स ना फ्रेंड्स बहुत ही डिज़ाइनर लुक देते हैं। आप इसे एज अ होम बेकर या फिर बेकरी में भी सेल कर सकते हैं। आपको इस टाइप का केक डेकोरेशन रखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना ट्रेंडिंग है कि सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो नॉर्मली मैंने क्रीम क्रम कोटिंग करके रख ली थी, फिर क्रीम में मैं थोड़ा सा टील कलर ऐड की लाइटर शेड देने के लिए, क्योंकि मैं पेस्टल शेड में ही इसे बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क शेड का कॉन्ट्रास्ट करते हुए। तो बीच में थोड़ा सा जो मैंने क्रीम से पूरा केक को कवर किया था, जितनी भी स्मूथनिंग हो सके उतना आप कीजिए, क्योंकि फाइनली हमें इसमें पैटर्न ही देना है। उसके बाद थोड़ा सा और टील कलर दी, स्पून से मैंने पैटर्न बनाया तो वो प्रॉपर वे में नहीं बना। फिर मैंने सोचा चलो प्रॉपर नहीं बना है तो पैलेट नाइफ ही छोटा वाला, उसके पीछे अच्छे से पानी से उसे गीला कर लिया, जिससे मैं ये जब स्ट्रोक लगा रही थी ना तो वो काफ़ी स्मूथ हो रहा था। इस तरीके से मैंने ऊपर भी कर लिया, साइड में भी। तो देखा ना, अगर आपके केक स्मूथ नहीं होते हैं तो भी आप इस टाइप की डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं, या फिर आपके पास कम टाइम है, आपको जल्दी में ऑर्डर कंप्लीट करना है, उतने फिनिशिंग देने की टाइम नहीं है, तब भी आप ये वाले डिज़ाइनर केक लुक ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं छोटा वाला स्टार नोजल ली हूँ और उससे मैं बॉर्डर बना दे रही हूँ, छोटी वाला जो डिज़ाइन होता है ना उस तरीके से। और इसमें मैं क्रीम कलर का यूज़ कर रही हूँ, येलो कलर जो जेल फूड कलर है उसे आप कम ड्रॉप लेंगे तो ये क्रीम कलर बन जाएगा, या फिर लिक्विड फूड कलर से भी इजीली बन जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कलर है उसकी ज़रूरत होती है और जेल फूड कलर बहुत डार्क होता नहीं है, तो एक ड्रॉप भी लीजिएगा तो काफ़ी है। फिर सेम नोजल से मैं नीचे के बॉर्डर भी कवर कर दूँगी। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कलर लाइट एंड डार्क शेड का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, ये पेस्टल शेड का कलर बना था। मैं इसे घर के सेलिब्रेशन के लिए खुद के लिए ही बनाई थी, ये मुझे ऑर्डर नहीं आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ऐसा डिज़ाइन ट्राई किया जाए जो कि हर कोई बना सके, किसी को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर सबसे छोटा वाला मैं स्टार नोजल ली हूँ, सबसे छोटा वाला, उसमें मैं लाइट पिंक कलर फिल कर दी हूँ, बहुत थोड़ा सा पिंक कलर मैं इसमें यूज़ की तो ये बहुत लाइटर शेड पिंक कलर बन गया। उसके बाद ऊपर मैं एक एक फ्लावर बना दी और नीचे जो मैंने बॉर्डर बनाया था वहाँ पे भी एक एक बना दी, पर मुझे कंप्लीट लुक नहीं लग रहा था। फिर मैंने नीचे में दो दो फ्लावर्स बना दिए, जहाँ पे एक एक की थे ना बस वहीं पे बगल में दो दो कर दी, और ऊपर में जब दो किया उतना मज़ा नहीं आया, फिर मैं तीन तीन कर दी, और पता है फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल ये केक लग रहा था। सिंपल एलिगेंट डिसेंट, बहुत पसंद आने वाला है। तो एक बार अपने कस्टमर को इस तरीके की केक डेकोरेशन भी अगर, या फिर आपको अर्जेंट में ऑर्डर आया तो ज़रूर बना के दीजिएगा, उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे इतनी जल्दी डेकोरेट किया है। फिर बीच में मैं थोड़े से एडिबल बॉल्स लगा दे रही हूँ, ये पर्ल वाले बॉल हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये सारे स्प्रिंकलर्स मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। और तीनों फ्लावर में मैं गोल्डन बॉल्स लगा दे रही हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने किसी ऑर्डर पे नहीं, घर के ही सेलिब्रेशन के लिए बनाया था, इसलिए मैं इसमें कोई भी टैग यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो बर्थडे एनिवर्सरी जो भी चीज़ हो आप उस तरीके से टैग यूज़ कर सकते हैं, इजी तरीके से केक डेकोरेट कर सकते हैं और तुरंत केक का डिज़ाइनर लुक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये केक डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो और भी इजी गोइंग केक डेकोरेशन देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल वीराज केक डिलाइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप अगले वीडियो में। स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग। और अगर आपको ये केक डेकोरेशन पसंद आया हो, ये कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया हो, ये इजी तरीके का पैटर्न पसंद आया हो, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।